हेलो व्यूअर्स, ये जो आज ये बादाम का पेड़ आप देख रहे हैं, जैसे मैंने एयर लेयरिंग करी हुई है, ये मैंने मानसून की शुरुआत में एयर लेयरिंग करी हुई थी। जितने प्रकार की आप लेयरिंग करें, मानसून की शुरुआत में करें, क्योंकि जो एयर लेयरिंग होती है इसका सक्सेस के पीछे यही कारण होता है कि बरसात के सीजन में आप करेंगे तो ये जो गोटी है इसमें मॉइस्चर बना रहेगा और जड़ वगैरह का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो ये बादाम की गोटी कितने समय में तैयार होती है ये मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने ये आप देखिए इसमें 5-6 ब्रांच थी। एक ये कटी हुई ब्रांच देख रहे हैं आप, एक ये साइड में देखिए आप, ये साइड में देखिए आप, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांच थी। पांचों ब्रांच में मैंने गुटी बांधी हुई थी। ये सबसे पहली वाली जो ब्रांच है इसमें मैंने गुटी लगाई थी, मैंने 1 जुलाई में गुटी बांधी थी इसमें, क्योंकि बारिश चालू हो गई थी तो मैंने बांधना चालू किया था। और मैंने 1 महीने बाद इसकी मैंने खोली थी गुटी, तो इसमें किसी भी प्रकार के जो रूट्स हैं वो नहीं आई थी। फिर मैंने लगभग 1.5 महीने बाद ये जो दूसरी ब्रांच है इसको मैंने यहाँ से काटा, तो इसमें 1 या 2 रूट आई हुई थी, तो जिसको मैंने लगा दिया। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिर आज करीब ये 2 महीना करीब हो चुका है और इसमें ये रूट्स बाहर से ही दिख रही हैं। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हल्की वाइट कलर की रूट आप देख रहे हैं, वो तो अच्छी डेवलप हो चुकी हैं। तो आज मैं इनको काटूंगा यहाँ से। तो ये आप नीचे से ही काटिएगा, इसको काफी थिक इसकी ब्रांच है। काफी थिक हो गई है ये। देखिए इसमें मैंने गोटी बांधी हुई थी, इसको मैं काट रहा हूं। ये काफी मैंने टेपिंग करी हुई थी इसके, ये देखिए आप। ये देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, फिर भी ये हल्की रूट्स वगैरह दिखने चालू हो रही हैं। ये देखिए इसको मैंने एक गोटी की रिंग काट के फिर मिट्टी और मॉस वगैरह लगा के, ये डिब्बा आप देखिए, ये सैनिटाइजर का डिब्बा था, चूंकि कोरोना चल रहा था तो सैनिटाइजर वगैरह काफी आए हुए थे, उसको काट के मैंने, ये देखिए यहाँ से काट के, और फिर मैंने इसको फंसाया हुआ था, फंसा के अच्छे से रैप कर दिया था। अभी आप देखिए काफी रूट्स वगैरह डेवलप हो गई है। इसके नीचे वाले सिरे से और इसको काट देते हैं। काफी मोटी इसकी, ये देखिए ये काफी ज्यादा डेवलप हो गई है। इसको अब मैं लगाऊंगा। लगाने के पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी इसकी ये जो लीफ दिख रही है, लीफ आप तोड़ दीजिए, जितनी भी लीफ दिख रही है इनको हम तोड़ देंगे। इसके पीछे रीजन ये रहता है कि अगर ज्यादा लीफ रहेंगी तो ये इसके रूट्स के डेड होने का चांस ज्यादा रहते हैं। तो लगभग सारी रूट्स आप तोड़ दिए, केवल जो ऊपर ये जो बची हुई है, नई वाली जो ब्रांच बची हुई है, केवल इनको ही बचाएंगे हम। ये देखिए मैंने इसकी सारी लीव्स हटा दी हैं, लगभग सारी लीव हटा दी हैं। ये देखिए मैंने गड्ढा किया हुआ है, इसमें सबसे पहले ये FYM डाल देते हैं। FYM या आपके पास डर्मी कंपोस्ट हो उसको डाल दीजिए, फिर इस प्लांट को इस गड्ढे में फिक्स कर दीजिए। ये देखिए ये जो मैंने करीब 1.5 महीने बाद वाली जो कटिंग मैंने जो लगाई हुई थी, इसमें रूट्स की जो डेवलपमेंट हो गया था, रूट्स में इसमें ये देखिए छोटी छोटी ब्रांचेस भी आनी चालू हो गई हैं।
ये, और खास बात ये इसमें फ्लावर भी आने चालू हो गए हैं। ये देखिए हल्के हल्के फ्लावर हैं। ये उसी मदर प्लांट का है जिसका मैंने बताया था। तो ये करीब डेढ़ महीने बाद, गुटी लगाने के डेढ़ महीने बाद मैंने इसको काटा था, और ये जो आज मैंने लगाई ये दो महीने बाद की है। तो इसमें देखिए फ्लावर आने चालू हो गए हैं। तो गुटी का फायदा यही होता है कि छोटे प्लांट में ही आपको फ्लावर और फ्रूट आने चालू हो जाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग।